हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देंगे एसबीआई बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के लिए। अगर दोस्तों आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं या कहीं भी आपको स्टेटमेंट की जरूरत पड़ता है एसबीआई बैंक का, तो दोस्तों आप घर बैठे अपने फोन से 6 महीना या 1 साल का स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। आप सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को कैसे ओपन करना है मैं आपको शुरू से भी बताऊंगा। सबसे पहले यहां वेबसाइट को आ जाना है। आने के बाद देखिए यहां पे दिखाई देगा अकाउंट स्टेटमेंट का, यहां पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर टोटल डिटेल आपका शो करेगा, अकाउंट नंबर। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए बाई डेट, बाई मंथ, लास्ट 6 महीने और यहाँ पर 1 वर्ष का दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर 6 महीना का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। अगर 1 साल का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। अगर दोस्तों डेट बाई डेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, तो मैं 6 महीने का निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अब दोस्तों जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है व्यू, मतलब अभी दोस्तों इसे व्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ का है, उसके बाद अपलोड टू डिजी लॉकर का है। ठीक है, इतना सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं व्यू करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं टिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, गो पर क्लिक कर देना है। जब आप गो पर क्लिक कीजिएगा देखिए ये स्टेटमेंट खुल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं, यहाँ टोटल 6 महीने का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ लास्ट तक दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा 6 महीने का है। अब दोस्तों यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसे ओपन कैसे करना है इस वेबसाइट का, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करके आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है एसबीआई। ठीक है, उसके बाद सर्च करना है। उसके बाद देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर पर्सनल लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद जो अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड कैसे बनाया जाता है उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देखकर आप यूजर नेम पासवर्ड कैसे बनाना है बैंकिंग एसबीआई बैंकिंग का आप खुद से बनाकर स्टेटमेंट निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।